जन औषधि केंद्र तन को औषधि देते हैं, मन की चिंता को कम करने वाली औषधि है, तो धन को बचाकर जन जन को राहत देने वाला का भी काम इसमें हो रहा है। दवा का पर्चा हाथ में आने के बाद लोगों के मन में जो आशंका होती थी कि पता नहीं कितना पैसा दवा खरीदने में खर्च होगा, वो चिंता कम हुई है। अगर हम इसी वित्तीय वर्ष के आंकड़ों को देखें तो जन औषधि केंद्रों के जरिए 800 करोड़ से ज्यादा की दवाइयां बिकी है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल इसी साल जन औषधि केंद्रों के जरिए गरीब को, मध्यम वर्ग को करीब 5000 करोड़ रुपया बचे हैं। और जैसा भी आपने वीडियो में देखा, अब तक करीब 13000 करोड़ रुपया बचा है, सब मिलाकर के 13000 करोड़ रुपया बचा है, तो पिछली बचत से ज्यादा बचत हो रही है। यानी कोरोना के इस काल में गरीबों और मध्यम वर्ग के करीब 13000 करोड़ रुपए जनऔषधि केंद्रों से बचना, ये अपने आप में बहुत बड़ी मदद है। और संतोष की बात है कि ये लाभ देश के ज्यादातर राज्यों में ज्यादातर लोगों तक पहुंच रहा है। आज देश में 8500 से ज्यादा जनऔषधि केंद्र खुले हैं। ये केंद्र अब केवल सरकारी स्टोर नहीं बल्कि सामान्य मानवी के लिए समाधान और सुविधा के केंद्र बन रहे हैं। महिलाओं के लिए 1 रुपये में सैनिटरी नैपकिन भी इन केंद्रों पर मिल रहे हैं। 21 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन की बिक्री ये दिखाती है कि जन औषधि केंद्र कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं का जीवन आसान कर रहे हैं। जब गरीबों और मध्यम वर्ग के हितों के बारे में सोचने वाली सरकार होती है तो सरकार के ये फैसले जन सामान्य को लाभ करते हैं और जन सामान्य भी एक प्रकार से इस योजनाओं का एम्बेसडर बन जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है जिसका बड़ा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को मिलेगा। हमने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी, उससे ज्यादा पैसे फीस के नहीं ले सकते हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के करीब करीब 2500 करोड़ रुपए बचेंगे। इतना ही नहीं, वो अपनी मातृभाषा में मेडिकल एजुकेशन कर सके, टेक्निकल एजुकेशन ले सके। ये इसके कारण गरीब का बच्चा भी, मध्यम वर्ग का बच्चा भी, निम्न मध्यम वर्ग का बच्चा भी, जिसके बेटे स्कूल में अंग्रेजी में नहीं पढ़े हैं, वो बच्चे भी अब डॉक्टर बन सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़ रहे भारत में सबके जीवन का समान सम्मान मिले, मुझे विश्वास है हमारे जन औषधि केंद्र भी इसी संकल्प के साथ आगे भी समाज को ताकत देते रहेंगे।